मिस्टर मीट के जेल में कैद होने के बाद गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली अपने घर में एंजॉय करते हैं। गुप्ता जी, आज तो बहुत खुश हूँ मैं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा डांस करूँगा। हाँ क्यों नहीं मिश्रा जी, बिल्कुल आज तुम खूब नाचो, पर गुल्ली जब आएगा तब उसके सामने तुम भी थक जाओगे। आपने बिल्कुल सही कहा गुप्ता जी, पर गुल्ली है कहाँ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बुल्ली, मैंने गुल्ली को कुछ लाने के लिए भेजा है, मुझे लगता है वो शायद आता ही होगा। इधर सभी इंजॉय कर रहे होते हैं और उधर गुल्ली स्कूटी में बैठकर घर की तरफ आ रहा होता है। यदि मैं सीधे रास्ते से गया तो मुझे घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं जंगल वाले रास्ते से जाता हूँ, जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा। फिर गुल्ली जल्दी से घर जाना चाहता था क्योंकि मौसम खराब होता जा रहा था और बारिश कभी भी होने वाली थी। गुल्ली अपनी स्कूटी से जंगल वाले रास्ते से कुछ दूर आगे गया ही था, तभी वह देखता है कि सामने टूटा हुआ पेड़ रास्ते को जाम किया हुआ है। ओह शिट, आगे तो रास्ता बंद है, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे फिर से उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। गुल्ली पैदल उस रास्ते से जा सकता था, पर उसके साथ स्कूटी था, इसलिए वह मजबूर था पुराने रास्ते से जाने को। गुल्ली वापस रोड वाले रास्ते से जाने के लिए वह स्कूटी के पास जाता है और जैसे ही वहां से निकलने के लिए स्कूटी में बैठता है, लेकिन तभी उसे किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बच्चे की आवाज़ सुनकर गुल्ली समझ जाता है कि कोई रॉड नाम का व्यक्ति बच्चे को परेशान कर रहा है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वह आवाज़ की तरफ निकल जाता है जो जंगल के अंदर से आ रही थी। गुल्ली तेजी से जंगल के अंदर जाता है और वह देखता है कि सामने एक अजीब सा आदमी धीरे धीरे बच्चे के पास जा रहा है और बच्चा डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ लगा रहा है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो रॉड बच्चे को मार देगा। बच्चे को बचाने के लिए गुल्ली जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, तभी गुल्ली देखता है कि रॉड उस बच्चे पर कोई गैस से वार करता है जो उसके मुंह से निकल रहा था। रॉड के नाइट्रोजन गैस से वह बच्चा जम जाता है। ओ शिट, ये क्या हुआ, रॉड ने ये कैसे किया? रॉड के पास नाइट्रोजन गैस का पावर है क्या? मुझे उससे बच के रहना होगा, नहीं तो वो मुझे भी जमा देगा। गुल्ली रॉड पर नजर बनाए हुआ था, पर अचानक रॉड गुल्ली की तरफ देखता है, पर गुल्ली अपने आप को छिपा लेता है। बाल बाल मैं बचा, नहीं तो रॉड मुझे देख लेता। रॉड को देखकर गुल्ली डरा हुआ था, इसलिए वह वहाँ से निकलने का सोचता है, पर एक और बार छिपकर रॉड को देखने की कोशिश करता है, पर रॉड और बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। ये क्या, रॉड और बच्चा अचानक से कहाँ गायब हो गया? कहीं रॉड उस बच्चे को मारने के लिए अपने साथ तो नहीं ले गया? गुल्ली को उस बच्चे की चिंता होने लगती है, इसलिए वह उस बच्चे को खोजने के लिए जंगल में आगे बढ़ने लगता है। पता नहीं रॉड उस बच्चे को कहाँ लेकर गया है, मुझे जल्दी से बच्चे का पता लगाना होगा, नहीं तो रॉड उस बच्चे की जान भी ले सकता है। गुल्ली अपने चारों तरफ बच्चे को खोजने की कोशिश करता है, पर बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए गुल्ली वापस जाने का सोचता है, लेकिन तभी उसकी नज़र हिलते हुए पौधों पर पड़ती है। गुल्ली सोचता है कि हवा तो चल नहीं रही है, तो वो पौधा इतनी तेजी से क्यों हिल रहा है। गुल्ली को शक होता है कि रॉड उस बच्चे को वहीं छिपा कर रखा है, इसलिए पौधा हिल रहा है। मुझे संभल कर पौधे के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रॉड वहीं चुप कर बैठा हो, यदि ऐसा हुआ तो मैं रॉड से कैसे मुकाबला कर पाऊंगा। गुल्ली अपने अगल बगल देखता है तो उसे नीचे एक स्टिक दिखाई पड़ता है। गुल्ली उस स्टिक को तुरंत उठा लेता है ताकि वह रॉड से अपने आप को बचा सके। अब ठीक है, मैं इस स्टिक की मदद से बच्चे को बचा सकता हूँ। गुल्ली धीरे धीरे पौधे के पास जाने लगता है। पौधे के पास पहुंचते ही गुल्ली देखता है कि वहां कोई भी नहीं है, इसलिए वह वापस अपनी स्कूटी की तरफ जाने का फैसला करता है। गुल्ली वापस से अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगता है।
गुल्ली जैसे ही अपनी स्कूटी के नजदीक पहुंचता है तो वह देखता है कि रॉड उसके स्कूटी के बगल में खड़ा है। रॉड को अपनी स्कूटी के बगल में खड़ा देख गुल्ली डर जाता है और वह वहीं छिप जाता है। मैं तो फंस गया, रॉड मेरे स्कूटी के पास खड़ा है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। गुल्ली सोचता है कि यदि मैं यहाँ छिपा रहा तो शायद कुछ देर बाद रॉड यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वह वहीं पर छिपा हुआ होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद गुल्ली अपनी स्कूटी की तरफ देखता है तो वहाँ रॉड दिखाई नहीं पड़ता है। रॉड तो दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो यहाँ से चला गया है। अब यही सही समय है, मैं स्कूटी लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। गुल्ली तेजी से स्कूटी के पास जाता है पर उसके पहले ही रॉड वहाँ फिर से वापस आ जाता है और हंसने लगता है। रॉड को अचानक अपने सामने देखकर गुल्ली को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे, पर उसके हाथ में जो स्टिक था वह उसी से रॉड के ऊपर फेंक कर हमला करता है, पर रॉड उस स्टिक से अपने आप को बचा लेता है। रॉड को पता था कि गुल्ली स्कूटी के पास जरूर आएगा, इसलिए वह वहीं कहीं छिपा था और सही मौका देखकर वह सामने आ गया था, इसलिए रॉड गुल्ली को देखकर खूब हंसता है। गुल्ली का वार असफल होने पर वह तुरंत वहां से पीछे की ओर भागता है और वहीं कहीं छिप जाता है। मुझे यहां से निकलना होगा पर कैसे। हाँ, मुझे गुप्ता जी और गुल्ली को यह सब बताना चाहिए, अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। गुल्ली छिपकर देखता है कि रॉड स्टिक की मदद से उसका स्कूटी तोड़ रहा है, इसलिए अब वो अफसोस करता है कि मैंने फालतू का स्टिक उसकी तरफ फेंक दिया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। गुल्ली अपना फोन निकालकर गुप्ता जी को तुरंत लगाता है। हाँ गुल्ली, तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? गुप्ता जी, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गुप्ता जी, मैं जंगल में फंस गया हूँ और रॉड मेरी स्कूटी तोड़ रहा है, वो मुझे मार देगा। गुल्ली तुम घबरा नहीं, हम सब वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। गुप्ता जी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गुल्ली मुझे सही से कुछ समझ नहीं आया, शायद वह किसी रॉड का नाम ले रहा था। हमें फटाफट से गुल्ली के पास जाना चाहिए, वहीं जाकर हमें सब कुछ पता चलेगा। गुप्ता जी, बुल्ली और मिश्रा जी तुरंत घर से निकलकर बाहर आते हैं और कार में बैठकर तीनों वहां से निकल जाते हैं। गुप्ता जी कार को तेजी से चलाते हैं और जंगल वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं, जहां उन सभी को आगे का रास्ता बंद दिखाई पड़ता है, इसलिए गुप्ता जी गाड़ी वहीं रोकते हैं और सभी बाहर निकलते हैं। गुप्ता जी, हम लोग तो जंगल आ चुके हैं पर गुल्ली कहां हो सकता है? बुल्ली वो तो मुझे भी नहीं पता है, पर जरूर गुल्ली इधर आसपास ही छिपा हुआ होगा, हमें उसे खोजना चाहिए। गुल्ली को खोजने के लिए सभी जंगल के चारों तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली को खोजते खोजते मिश्रा जी का नजर टूटी हुई स्कूटी पर पड़ जाती है। गुप्ता जी और बुल्ली, आप दोनों इधर आइए और यहाँ देखिए, ये गुल्ली का स्कूटी है ना? हाँ मिश्रा जी, ये तो गुल्ली का ही है। अगर गुल्ली का स्कूटी यहाँ पर है तो इसका मतलब गुल्ली यहीं कहीं होगा। हाँ बुल्ली, पर यह स्कूटी खराब हो चुकी है और कोई रॉड उसे मारना चाह रहा था, इसलिए हमें जल्दी से गुल्ली को खोजना चाहिए, नहीं तो गुल्ली के साथ कुछ भी हो सकता है। सभी साथ में गुल्ली को आवाज लगाते हुए उसे खोज रहे होते हैं। गुल्ली को सभी खोज रहे होते हैं, तभी उन सभी को गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई पड़ती है। गुल्ली, आगे गाड़ी की आवाज आ रही है, मुझे लगता है जरूर रॉड यहाँ से भागने की कोशिश करता होगा, हमें उसे पकड़ना होगा। गुप्ता जी वहाँ देखिए, एक आइसक्रीम वैन जंगल से बाहर की ओर जा रही है। चलो गुल्ली और मिश्रा जी उसे पकड़ते हैं, मुझे शक है गुल्ली उसी वैन में कैद है। आइसक्रीम वैन को पकड़ने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली उसकी तरफ भागते हैं, पर वैन तेजी से निकल जाता है। ओ शिट, आइसक्रीम वैन तो हम सब से बच के निकल गया। अब क्या करें गुप्ता जी, वैन तो हम सब से बच के निकल गई। मिश्रा जी, रॉड अभी जरूर हमसे बचकर निकल गया है, पर हम सब उसे जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ गुप्ता जी, पर हमें जल्दी से रॉड का पता लगाना चाहिए। हाँ बुल्ली, मुझे पता है गुल्ली का जान खतरे में है, इसलिए हम सब उस आइसक्रीम वैन का पता लगाएंगे, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि गुल्ली कहाँ है। गुप्ता जी, इस तरह का आइसक्रीम वैन तो शहर में बहुत होगा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि गुल्ली को किडनैप करने वाला आइसक्रीम वैन कौन सा है?
बुल्ली, उसका पता तो हमें चल जाएगा क्योंकि हमें पता है गुल्ली को किडनैप करने वाले का नाम रॉड है। हाँ गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब मिलकर आइसक्रीम वैन और रॉड का पता करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। आइसक्रीम वैन का पता करने के लिए सभी लोग शहर में वैन की तलाश करने लगते हैं। वैन की तलाश करते करते उन्हें रास्ते में एक आइसक्रीम वैन दिखाई पड़ती है, इसलिए वह तीनों उसके पास जाते हैं और मिश्रा जी उससे कुछ पूछता है। आइसक्रीम वाले भैया, आपका क्या नाम है? अरे बच्चों, मेरा नाम जानकर क्या करोगे, मैं तो आइसक्रीम बेचता हूँ जो अब बहुत कम बिकता है। आपकी आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, प्लीज अपना नाम बताएं। अरे बच्चों, मेरा नाम जॉय है और लोग मुझे आइसक्रीम जॉय के नाम से जानते हैं। जॉय का नाम सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली समझ जाता है कि ये वो शख्स नहीं है जो गुल्ली को किडनैप किया है, इसलिए सभी निराश होकर वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी रुक जाते हैं। एक मिनट मिश्रा जी और बुल्ली, आइसक्रीम वाले भैया, अभी आपने कहा कि आपकी आइसक्रीम बहुत कम बिक रही है, ऐसा क्यों, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखो बच्चों, मैं बहुत सालों से आइसक्रीम बेच रहा हूँ, पर पता नहीं सभी बच्चे मेरी आइसक्रीम को छोड़कर रॉड की आइसक्रीम को पसंद करने लगे हैं, जिसके बाद मेरी आइसक्रीम की बिक्री बहुत कम हो गई है। रॉड का नाम सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब रॉड के बारे में उन लोगों को पता चलने लगा था, इसलिए उसके बारे में गुप्ता जी जॉय से पूछते हैं। जॉय अंकल, क्या आप रॉड के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है? अरे बच्चों, रॉड के बारे में कौन नहीं जानता है, वो तो आइसक्रीम बनाकर बच्चों को बेचता है और उसकी फैक्ट्री आगे से 500 मीटर दूर पर बनी हुई है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली को अब रॉड के बारे में पता चल चुका था कि वह अब कहाँ मिलेगा, इसलिए तीनों बिना लेट किए रॉड की फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। रॉड, हमें तुम्हारी जगह के बारे में पता चल गया है, अब हमसे तुम बच नहीं पाओगे। इधर सभी रॉड की फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उधर रॉड अपनी फैक्ट्री में गुल्ली को कैद करके रखता है जो जमा हुआ था। कुछ समय बाद गुल्ली वापस से नॉर्मल हो जाता है और अपने आप को कैद में पाता है। मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो जंगल में छुपा हुआ था, कहीं रॉड ने तो मुझे यहाँ नहीं लेके आया। गुल्ली अपने चारों तरफ देखता है तो उसे वहाँ वही बच्चा कैद हुआ दिखाई देता है और साथ में कुछ और बच्चे होते हैं। गुल्ली को कुछ समझ नहीं आता है कि रॉड ने आखिर उसे और कई बच्चों को किडनैप क्यों किया है, इसलिए वह बच्चों से इसके बारे में पूछता है। गुल्ली के पूछने पर बच्चे बताते हैं कि मुझे पता नहीं है कि आखिर रॉड हम बच्चों को किडनैप क्यों करता है, पर आज तक जो भी बच्चा रॉड के हाथों पकड़ाया है वह बच नहीं पाया है। गुल्ली समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वह निराश होता है, पर अचानक उसे याद आता है कि उसके पास मोबाइल है जो अब उसके पास नहीं है, इसलिए वह और भी ज्यादा निराश हो जाता है। इधर गुल्ली का मोबाइल गायब था, इसलिए वह अब किसी को कॉल करके बता नहीं सकता था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और उधर सभी रॉड की फैक्ट्री की तरफ आ रहे होते हैं। गुप्ता जी, मैंने बहुत ट्राई किया गुल्ली के मोबाइल में कॉल करने की, पर कॉल नहीं लग रहा है। मिश्रा जी, मुझे लगता है कि गुल्ली का मोबाइल रॉड के पास होगा और उसने मोबाइल को बंद कर दिया होगा, इसलिए कॉल नहीं लग रहा है। हाँ गुप्ता जी, ऐसा ही हुआ होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली तीनों रॉड के फैक्ट्री के सामने आ जाते हैं। तो ये है रॉड की फैक्ट्री, पर फैक्ट्री के ऊपर किसका फोटो लगा है? बुल्ली, मुझे लगता है वो फोटो रॉड का ही है, क्योंकि फैक्ट्री उसकी है तो फोटो भी उसका ही होगा ना? हाँ गुप्ता जी, पर यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं गुल्ली भी कहाँ होगा। मिश्रा जी, मुझे लगता है रॉड गुल्ली को अंदर कैद करके रखा होगा, चलो अंदर जाकर गुल्ली को खोजते हैं। गुल्ली को खोजने के लिए सभी रॉड के फैक्ट्री ग्राउंड में घुसते हैं, जो रॉड सीसीटीवी में देख रहा होता है। गुल्ली के दोस्तों,
अब तुम सबको अपना जलवा दिखाता हूँ। रॉड डिस्प्ले के सामने कोई बटन को दबाता है, जिसके बाद ग्राउंड में रखी आइसक्रीम वैन स्टार्ट हो जाती है। गुप्ता जी और बुल्ली, अपने आप को बचाइए, वो वैन हमारी तरफ ही आ रही है। वैन से बचने के लिए सभी लोग कूद कर अपने आप को बचा लेते हैं। वैन से गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली अपने आप को बचा लेता है, इसलिए रॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में फिर से कोई बटन दबाता है। बटन दबते ही ग्राउंड में रखी सभी वैन स्टार्ट हो जाती है। बुल्ली, हम सब बाल बाल बच गए, नहीं तो वो वैन हमें पापर बना देती। मिश्रा जी, तुम्हें ऐसा लगता है? जरा इधर तो देखो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली देखते हैं कि तीन और आइसक्रीम वैन उन लोगों के पास आ रही है। ओ शिट, वैन से अपने आप को बचाइए, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। सभी लोग वैन से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। गुप्ता जी, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो आइसक्रीम वैन हमें पीस देगा। हाँ बुल्ली, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कैसे वैन से बचूं। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी लोग वैन से बचने के लिए आगे भाग रहे होते हैं, जो रॉड डिस्प्ले में देखकर बहुत खुश हो रहा था। बुल्ली और मिश्रा जी, मेरी बातें ध्यान से सुनो, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना। ठीक है गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी, बोलिए अब क्या किया जाए। मिश्रा जी और बुल्ली, तुम दोनों मेरी तरफ आओ और जैसे ही मैं कूदने बोलूं तभी तुम दोनों कूदकर अपनी जान बचाना। गुप्ता जी की बात मिश्रा जी और बुल्ली समझ जाते हैं, इसलिए दोनों गुप्ता जी की तरफ भागते हैं, जिसके बाद वैन भी गुप्ता जी के नजदीक आते जा रहा था। मिश्रा जी और बुल्ली, अभी कूदो। मिश्रा जी और बुल्ली के कूदते ही सभी वैन आपस में टकरा जाता है और ब्लास्ट हो जाती है। वैन से तीनों बच जाता है, इसलिए रॉड गुस्सा में आग बबूला हो जाता है। गुल्ली की दोस्तों, तुम सब बहुत चालाक हो, पर मेरे सामने तुम सब की चालाकी टिक नहीं पाएगी। गुल्ली के दोस्त को सबक सिखाने के लिए रॉड खुद फैक्ट्री से बाहर निकलता है। और इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली खुश थे, क्योंकि रॉड अपने काम में कामयाब नहीं हो पाया था। मिश्रा जी और बुल्ली, मुझे लगता है रॉड हम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि जैसे ही हम सब यहाँ आए तो वैन हमें मारने के लिए आ गया था। हाँ गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर हमें गुल्ली को जल्द से जल्द बचाना होगा, क्योंकि रॉड को पता चल चुका है कि हम लोग बच गए हैं, इसलिए हो सकता है कि वह गुल्ली को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ बुल्ली, चलो बिना किसी देरी किए रॉड की फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन तभी सामने से रॉड आ जाता है और हंसने लगता है। गुल्ली के दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, तुम सब गुल्ली को बचा लोगे? पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तुम सब भी गुल्ली की तरह पिंजरे में कैद हो जाओगे। रॉड, तुम अकेले हमें रोक नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि गुल्ली को छोड़ दो, नहीं तो हमसे बच नहीं पाओगे। तुम सब मिलकर गुल्ली को बचा लोगे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ट्राई करके देख लो। गुप्ता जी, इस रॉड के बच्चे को अपने आप पर बहुत घमंड है, मैं अकेले ही इसका घमंड तोड़ के आता हूँ। अरे मिश्रा जी रुक जाओ, हमें रॉड के बारे में अच्छा से पता नहीं है। गुप्ता जी आप घबराइए नहीं, उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मिश्रा जी गुप्ता जी का बात नहीं मानता है और वह रॉड के पास चला जाता है। बहुत बकबक कर रहे थे रॉड, अब बताना क्या बोल रहे थे। बच्चे, मैं बोल रहा था कि अब तुम सब भी फंस गए हो। गुप्ता जी, मिश्रा जी, रॉड, ये तुमने मिश्रा जी के साथ क्या किया? गुप्ता जी, तुम्हारा दोस्त बहुत उछल रहा था, इसलिए मैंने उसे जमा दिया, पर अब तुम दोनों की बारी है। गुप्ता जी और बुल्ली को जमाने के लिए रॉड उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। गुप्ता जी यहाँ से निकलिए, नहीं तो रॉड हमें भी जमा देगा। नहीं बुल्ली, मैं ऐसे मिश्रा जी को नहीं छोड़ सकता। गुप्ता जी मेरी बात को समझिए, अभी हम दोनों मिलकर भी रॉड से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गुप्ता जी बुल्ली का बात मान लेते हैं और वापस वहाँ से भागते हैं। गुप्ता जी और बुल्ली तेजी से रॉड के ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि रॉड उन दोनों को जमाने के लिए आ रहा था। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही दोनों देखते हैं कि रॉड उनके पीछे नहीं है और मिश्रा जी भी गायब है। बुल्ली, रॉड अचानक कहाँ चला गया और मिश्रा जी भी कहीं दिख नहीं रहा है।
गुप्ता जी, मुझे लगता है रॉड मिश्रा जी को लेकर फैक्ट्री के अंदर चला गया है। हाँ गुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इसलिए चलो जल्दी से मिश्रा जी और गुल्ली को बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं आखिर रॉड उन दोनों के साथ क्या करेगा। हाँ गुप्ता जी, हमें जल्द से जल्द मिश्रा जी और गुल्ली को बचाना चाहिए, लेकिन अंदर रॉड है और यदि रॉड को पता चल गया तो मिश्रा जी और गुल्ली को हम कैसे बचा पाएंगे। गुप्ता जी और बुल्ली आपस में एक योजना बनाते हैं कि यदि रॉड सामने आ जाए तो बुल्ली रॉड का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और गुप्ता जी मौका देखकर गुल्ली और मिश्रा जी को बचा लेंगे। इधर गुप्ता जी और गुल्ली आपस में योजना बना रहे होते हैं और उधर मिश्रा जी अपने आप को पिंजरा में कैद पाता है और सामने गुल्ली के साथ कई बच्चे को देखता है। गुल्ली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिश्रा जी, पर मुझे डर है कि कहीं रॉड गुप्ता जी और बुल्ली को भी कैद ना कर ले, नहीं तो फिर हम लोग कैसे यहाँ से निकल पाएंगे। गुल्ली और मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे दोस्तों को पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस बार तुम दोनों गुप्ता जी और बुल्ली को पकड़ोगे। रॉड की बात सुनकर गुल्ली और मिश्रा जी का दिमाग ही खराब होने लगता है, क्योंकि वे दोनों भला ऐसा क्यों करेंगे। रॉड, तुम जो बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। मिश्रा जी की बात सुनकर रॉड हंसने लगता है और अपने नाइट्रोजन गैस से दोनों को फिर से जमा देता है। नाइट्रोजन गैस से जमते ही रॉड दोनों को पिंजरा से बाहर निकालकर एक मशीन के अंदर घुसा देता है और मशीन को स्टार्ट कर देता है। मशीन के स्टार्ट होने के कुछ ही पल बाद वहाँ गुप्ता जी और बुल्ली आ जाते हैं। गुप्ता जी और बुल्ली देखते हैं कि रॉड ने गुल्ली और मिश्रा जी को एक मशीन के अंदर घुसा दिया है, इसलिए गुप्ता जी रॉड पर चिल्लाते हैं, रॉड मेरे दोस्तों को मशीन से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गुप्ता जी, और अब तुम दोनों भी अपने दोस्तों की तरह मशीन के अंदर घुसोगे। रॉड गुप्ता जी और बुल्ली को जमाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुप्ता जी और बुल्ली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गुप्ता जी और बुल्ली का पीछा करते करते रॉड भी बाहर आ जाता है। बुल्ली, तुम मिश्रा जी और गुल्ली को मशीन से बाहर निकालो, तब तक मैं रॉड को यहीं फंसा कर रखता हूँ। गुप्ता जी की बात मानते हुए बुल्ली तुरंत फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, पर वहाँ मिश्रा जी और गुल्ली नहीं होता है। ये क्या, मिश्रा जी और गुल्ली कहाँ गए? अभी तो वे दोनों मशीन के अंदर ही थे, तो फिर अचानक से दोनों कहाँ चले गए? बुल्ली सोचता है कि आखिर मिश्रा जी और गुल्ली कहाँ जा सकता है, लेकिन तभी बुल्ली की नज़र बच्चों पर पड़ती है, तो वह उससे गुल्ली और मिश्रा जी के बारे में पूछते हैं। बुल्ली के पूछने पर बच्चे बताते हैं कि मिश्रा जी और गुल्ली इस रूम से बाहर निकल गया है। बच्चों का बात सुनकर बुल्ली को अब मिश्रा जी और गुल्ली को खोजना होगा, लेकिन उससे पहले बुल्ली सभी बच्चों को रॉड के पिंजरे से बाहर निकाल देता है। उधर गुप्ता जी रॉड को फैक्ट्री के चक्कर लगवा रहे थे, तभी बुल्ली भी वहाँ आ जाता है। बुल्ली, क्या हुआ, मिश्रा जी और गुल्ली को मशीन से बाहर निकाले कि नहीं? गुप्ता जी के पूछने पर बुल्ली के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वह निराश होता है, लेकिन तभी गुप्ता जी की नज़र बुल्ली के पीछे पड़ती है। मिश्रा जी और गुल्ली, पर ये क्या, उन दोनों को क्या हो गया है? कुछ तो गलत लग रहा है, मुझे बुल्ली को बताना चाहिए। बुल्ली, अपने पीछे देखो। गुप्ता जी, बुल्ली यहाँ से भागो तुम। नहीं गुप्ता जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बुल्ली मेरी बात मानो, यदि तुम भी फंस गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ से भागो। बुल्ली गुप्ता जी का बात मानते हुए जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है तो उसे मिश्रा जी और गुल्ली उनके तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है। गुल्ली और मिश्रा जी को क्या हुआ, ये अजीब जैसे क्यों दिख रहे हैं? गुल्ली और मिश्रा जी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे अंदर ये आइसक्रीम कैसे घुस गया? बुल्ली के बातों का गुल्ली और मिश्रा जी जवाब नहीं देता है, बल्कि दोनों मिलकर बुल्ली को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी गुप्ता जी बीच में आकर बुल्ली को बचा लेते हैं। गुप्ता जी, ये क्या किया तुम दोनों ने? गुप्ता जी के बीच में आने पर बुल्ली तो बच जाता है, पर गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। बुल्ली, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी बच नहीं पाओगे। बुल्ली तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सामने रॉड आ जाता है। बच्चे, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें भी अपने नाइट्रोजन गैस से जमा दूंगा। रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से बुल्ली पर वार करता है, पर गुप्ता जी फिर से बीच में आ जाते हैं और बुल्ली को जमने से बचा लेते हैं।
गुप्ता जी। रॉड देखता है कि बुल्ली गुप्ता जी की मदद से बच गया है और वह वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? क्या गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली रॉड के हाथों मारे जाएंगे या बुल्ली सभी को बचाने वापस फैक्ट्री में आएगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह रहा आज का सवाल, रॉड की माँ कौन है? सही जवाब देने वालों में से लकी लोगों का नाम नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये रहे आज का साउट आउट।